अपन संस्कृति अपने पहचान बल पहाड़ी छुमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पे लग जाए दियो कि हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह सुबह मैं जो है वॉक पर आई हूँ। मैं अभी नानी के घर हूँ, मल्ला भैंस कोटुआ नाम नाचनी से ऊपर। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे मैंने कितने सारे जैकेट्स पहन रखे हैं। तो आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे, स्कूल है, दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं पहले जब मैं छोटी थी क्रिकेट खेला करती थी। अब ये ग्राउंड छोटा लग रहा है, मैं बड़ी हो गई शायद से, पर तब मैं छोटी थी तो ग्राउंड इतना बड़ा लगता था ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना मस्त व्यू लग रहा है आज, बादल ही बादल रखे हैं। कल तो धूप नहीं आई थी, आई थी पर उतनी अच्छी नहीं आई थी, ठंडी लग रही थी। आज दिखते हैं आती नहीं आती है। यहाँ पे क्रिकेट खेलती थी मैं बचपन में भाई भाई लोगों के साथ। और ये है स्कूल है, बच्चे आएंगे शायद दिन में आएंगे पढ़ने के लिए। और नीचे खेत है, खेत वगैरह, यहाँ से गाँव दिख रहा है, आधा ही गाँव दिख रहा है, आधा उस साइड को है शायद से, आधा ही दिख रहा है यहाँ से। और ये वाला घर है जो है मेरी नानी का है। तो सुबह मैं बोर हो रही थी तो सोचा, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ के कोई है नहीं ना, अम्मा लोग हैं उनके साथ तो फसक करती ही हूँ मैं, बस सुबह सुबह मैंने सोचा वॉक पे ही चल लेती। भयंकर सुबह सुबह उठ के हाथ मुँह धोया, ऐसा लग रहा था पानी टच कर दे भी भयंकर बर्फ़ का पानी है, बहुत ही ठंडा हो रहा है। सुबह सुबह और शाम को ज़्यादा होता है, दिन में तो ठीक ही रहता है, हर जगह ही ऐसा हुआ वैसे तो। आज शायद से हम ऊपर जाएंगे, लियग लियग करके नाम है वहाँ, बकरियाँ हैं मामा लोगों की, 40-50 बकरियाँ हैं। शायद जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, बाकी देखते हैं। और आज आयुष का बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गई। हाँ, यहाँ पर पहले इतने किड़मड़ लगते थे, हिसालू लगते थे, खाने आते थे हम कब से नहीं खाए हैं, क्योंकि तब छुट्टियों के टाइम में आती थी ना हम स्कूल की। अब तो मैं कभी भी आ जाती हूँ, पर उस टाइम पे नहीं आना हो पाता जब वो लगते हैं फ्रूट्स। तो अब अगली बार सोच रही हूँ उसी टाइम पर आऊँ, जब काफल किरमड़ हिसाली लगेंगे ना उसी टाइम पे गाँव आऊँ जाती हूँ घर को। मैं इंस्टाग्राम में लाइव आई थी तो लोग शॉक्ड हो गए कि सोचे नेटवर्क कहाँ से आ गए इनके, सोचे जनरल चले गए घर के। फिर इंस्टा में बताया मैंने कि मैं नानी के घर हूँ तो यहाँ नेटवर्क है। तो आप लोग भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं रील्स देखने के लिए मेरी। पता है बोला भी नहीं जा रहा, इतने मतलब ठंड के मारे ना जाम हो चुके हैं हाथ, मुँह भी नहीं खुल रहा ढंग से। तो मैं घर जाती हूँ, आके वहाँ बैठती हूँ, खाना खाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। उसके बाद आयुष का बर्थडे तो शाम को ही मनाएंगे, दिन में क्या करते हैं देखते हैं। प्लान तो था ऊपर जाने का, देखते हैं क्या होता है, आगे पता चलेगा। अब ये देखो रामबास, पहले एक ब्लॉग में भी मैंने दिखाया है ये आपको, उससे रस्सियाँ वगैरह बनती हैं, कैक्टस जैसा कांटेदार होता है ये। तो चलो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ आयुष, हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ओहो सुबह से नहा लिया, नए कपड़े पहन लिए। आप से भी जल्दी उठ गया होगा आज। कितने बजे उठा था? मैं 5 बजे उठा। ओहो मैं 5:30 बजे उठी, मैं तो घूम के भी आ गई स्कूल के वहाँ। हाँ तेरे को नहीं पता, लाइव भी आई थी मैं इंस्टा में। हाँ दीदी देख रही थी लाइव आई है करके। हाँ मैं बोल रहा जरा भावना दीदी वो वीडियो डाल लिया होगा, दीदी बोल रही थी भावना दीदी अभी तो लाइव आ रही है करके। अच्छा नहीं वीडियो नहीं डाली ना अभी, अभी तो मैंने एडिट भी नहीं करी। हाँ सो गई थी मैं कल, यहाँ जल्दी नहीं ना। मैंने जो है नहा लिया है और बाहर पे खाना भी खा लिया है, भटकी दाल और चावल।
बाहर पे जो है मैं एडिट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक व्लॉग मैंने अपलोडिंग पर लगाया, हो ही रहा है अपलोड, स्लो हो रहा है पर हो रहा है, मतलब एक दिन में एक व्लॉग जो है मेरा अपलोड हो जाएगा। ये देखो मामी कहाँ गए, मामी अंदर दिखा दे, मामी 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 पीस रही है नमक। हाय दगड़ियो, हाय दगड़ियो, बाय बाय। ये देखो अब पीसेंगे, बाहर पे चूख बन रहा है। मामा आए हैं, एक हल्द्वानी से एक और मामा मामी आए हैं, तो वो भी आए हैं, तो अभी बाहर पे जो है चूख बन रहा है। मामी अभी जो है पीस रही है नमक, दिखाते हैं आपको। तो दगड़ियो ये है भांग के दाने, भांग के दाने से नशा नहीं होता। हाँ आप लोग सोचो कहीं नशे वाला हो, ये बहुत ही प्रोटीन होता है इनमें और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लाभदायक होता है बालों के लिए। इसकी जो चटनी बनती है पहाड़ों में और बहुत ही टेस्टी होती है। हाँ चट चट कर रहे हैं, अभी फेमस है पहाड़ में भांग की चटनी। ये स्टाइल, ये झाड़ू इसी के लिए है, इनके इसी के लिए ना, जैसे कभी भट भूटने हो, गेहूँ भूटने हो, चूहा चूहा क्यों, चू चू ने मैं सुनना हो कि बड़ो वीर, अच्छा लड्डू। हाँ यहाँ पे आधी सामग्री यहाँ पे है मामी की, ये है लाल मिर्च, ये नमक पहाड़ी सेंधा नमक है ना, ये धनिया है, और ये वाली मिर्चियाँ जो है कश्मीरी मिर्ची होती है छोटी छोटी, ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये भांग की चटनी जो है गर्माहट देती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है, और जिनके बाल वगैरह झड़ते हैं मतलब उसमें भी मदद करती है, मतलब हेयर फॉल वगैरह नहीं होता। है तो मैं सिला बढ़िया हुआ गैल गैल जो डाल दिया भांग के दाने। काफी लोगों को नहीं पता, जैसे मैं दोस्तों को बताती हूँ, दिल्ली में मम्मी ने भांग की चटनी बनाई है, बोलते हो नशा हो जाएगा। वो सोचते हैं इससे नशा होता है, नहीं होता इससे नशा, पत्तों से होता है, इससे नहीं होता। ये पहाड़ की जड़ी बूटी टाइप हुई। जड़ी बूटी क्या मतलब, ये पीस दिया है नमक, इसकी अब पैकेजिंग हो रही है। हाँ पन्नी में डाल देते, इसमें सूखेगा नहीं। दगड़ियो दिग, इतना सारा चूग बन रहा है, चूख माल्टा मिक्स, गढ़वाल में इसको खटाई बोलते हैं, कुमाऊं में चूख, गढ़वाले में खटाई, कुमाऊं में चूख, हमार कुमाऊं में यह चूख हुई। बाय 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 दगड़ियो, ठीक ठाक छोई। हाँ हाथ ना पड़े यो, पे हाथ पकड़ो यो, खाली तू बड़ो ना बड़ो है रो, खाली इला सारे। हाँ जा रहे हो वे लगे मार गई, ये माल्टा ले बनाना बहुत बोल था, माल्टा ले हुई दगड़ियो तले बढ़िया हूँ खाने में, खून बढ़ाता है चूख ना, जिसको पछता नहीं है तो उसको जिसको पछता नहीं है उसको लूज मोशन भी लग जाते हैं और पेट काट जाए। ये एक्सपर्ट अभी चेक कर रहे हैं आपका नमक कम होगा, बस लून नमक है, लून को ना, हाँ नमक को पहाड़ी में लून बोलते हैं। अम्मा का नाती बोलता है, क्या बताऊँ रे दोस्तों, क्या बताऊँ,
हाँ तो अभी भाषा बेल लागी पे तो अब सब दगड़िया बोल रहे हैं, कोई गाइज नहीं बोलेगा सारे ब्लॉगर गाइज बोलते हैं ना। हेलो गाइज, तू खाने आ जाओ चुक। अब हम जा रहे हैं घूमन जाना है, घूमन जाना है उसका जो कथा आपका जाना है, पता ना कहाँ जाना है, मैंने पता ना भालदूर भालदूरा डन, वहाँ पे भालू आते हैं इसलिए वहाँ का नाम भालदूर है। हाँ, यहाँ पे रेलिंग बना दिया बढ़िया। दो और है हमारे साथ, जीवन शाही और आयुष आयुष बानर बंदर इसको हम दगड़े इसको हम कूटेंगे वहां जाके इसका बर्थडे आज, इसको 33 बॉम्ब्स मिलेंगे। अभी कितने बज रहे हैं, 3 बजे का व्यू है ऐसा, सुबह का व्यू देखा होगा आपने। हाय जीवन कौन सी क्लास में? 11। अच्छा दोनों 11th वाले हो, मैं बुढ़ी गई हूँ मैं, अब ये सबसे बड़ा है। हम मैं यहाँ जाते हैं कहाँ, उस घर में? हाँ घर के नीचे नीचे तक चलते हैं, उसके बाद वापस फिर नीचे से घूम के। सबसे ज़्यादा बोलने वाला सबसे लास्ट में आ रहा है वो भी अपनी दीदी की मदद से हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं गाना सुना दे आयुष, कोई पहाड़ी गाता है सुना दे आयुष। तो लगड़ियो हम यहीं तक घूमने आए थे, अब यहाँ से देखते हैं कहाँ जा रहे हैं अब हम शायद घट पे जाएंगे। घट पता ही होगा, अब काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा घट किसे बोलते हैं। अब तो चक्कियाँ आ गई है तो किसको पता होगा घट क्या होता है। मामा कहाँ जा रहे हो? लेट। बकरियों को? हाँ बकरियों को। बकरियों को देखने? हाँ बकरियों को देखने। ठीक। वो ऊपर जा रहे हैं मामा अभी ऑफिस से आके। रास्ता वहाँ से हैं, उनसे पाइप ले जा रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा गिरेगा। आयुष का स्पेशल स्विमिंग पूल है ये। ये यहाँ पे नहाने आते हैं सुबह सुबह। ग्रीन एल्गी वाला। ये है घट जिसमें लगाया ताला। आयुष तोड़ रहा है, देख लिया वीडियो में, देख लिया मामा देखेंगे, रुक तो हम तोड़ देते हैं वीडियो इसकी डाल देंगे। घट तो बंद है अभी पहाड़ी से है ना ही है ये अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। मामी ने गजब रील बना दी, क्या बताऊँ आपको, बढ़िया हुआ है, परफेक्ट हुआ है, परफेक्ट। नहीं तभी जब बांध के न छा कद भल दगड़ियो गलती से थोड़ा सी आग लग गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं, आप लोग हमारी रील देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, भावना चौपाल ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। ये देखो पीछे आयुष, इनका बेटा है आयुष इन्हीं का बेटा, आयुष की मम्मी है ये हाँ बहुत खतरनाक हुई आयुष सब सारी शिकायत बोल देंगे तेरी, रुक तो बीच में से जा रहे थे खेत में से, अभी डांट पड़ेगी रुक। देखो मामा यहाँ पे अभी पानी डाल रहे हैं सब्जियों में। तो दगड़ियों अभी हो चुकी है शाम और वेदर जो रहा है बहुत मस्त हो रहा है, देख सकते हैं आप। अभी जो है मामा के साथ सब्जी में पानी दे दिया, अब जो है ऊपर जाते हैं
थोड़ी रील वगैरह डालनी है, फिर आयुष का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे शाम को। दगड़ियों आयुष के पापा आ गए हैं और आयुष के पास देखो क्या है, आज अपने पापा का फ़ोन लेके आया, बिल्कुल ट्राईपॉड वगैरह है, माइक भी है इसके पास। मैंने जो माइक अब खरीदा है बॉय लुक भावना की फार आज नहीं डाल रहे हैं। मैंने डाला है हाँ। अच्छा ये मैं हूँ, ओहो ऐसे कैसे आ गया। तो दगड़ियों देखिए आयुष का यूट्यूब चैनल, कुछ भी नहीं डाला है यार, डाला ही नहीं, फिर यही तो फिर पहाड़ी ब्लॉगर है ये, और इसके बाद ट्राइपॉड भी है, ये क्या बोलते हैं इसको, गोरिल्ला है, मेरे को बोलना भी नहीं आता है, क्या बोलते हैं इसको, गोरिल्ला ऑन कर दो। अच्छा मेरा ब्लॉग बना रहा है फर्स्ट, इसने माइक भी ले लिया, बताओ मेरे जब 2 लाख सब्सक्राइबर्स हुए तब मैंने माइक लिया, पता है तेरे को। अच्छा कैमरा आ तो रहा है, अच्छा ही होता है कैमरा तो। हेलो दगड़ियो रुक, हाँ ऑन कर दो, करना लाइट के सामने बना दे, यहाँ लाइट नहीं दिख रही। क्या बोलूंगा मैं, ऐसे बोलना पहाड़ी में, बोलना पहाड़ी ब्लॉगर लिखा है ना तूने नाम। नहीं नहीं मैं तो पहाड़ी में नहीं बोलूंगा। तो नाम क्यों लिखा पहाड़ी ब्लॉगर, पहाड़ी में नहीं बोलना था। अभी आयुष जो है ब्लॉगिंग करना सीख रहे हैं, मेरे को भी नहीं आती है दगड़ियो, हाँ फिर भी आप लोग देखते हो मेरे ब्लॉग्स, अच्छी बात है। कहाँ गया।